साथियों नमस्कार, मैं लक्ष्मी फार्मिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आपको अपने टेरिस गार्डन में लहसुन, जिसे हम गार्लिक के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं, अपने घर में ताज़ा कैसे खाएं, उसकी शुरुआत अब हो गई है और आप शुरू करें, हमने कर दिया है। आज मैं आपको करता हुआ दिखा रहा हूँ। प्लास्टिक का पॉट लिया, इसमें सॉयल मिक्स प्लस वर्मी कंपोस्ट, दो हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, कम मेटर सॉयल मैटर मैंने बना लिया और रख लिया। इसमें बारिश का मौसम है, हल्का मिट्टी में नमी है, फिर भी मैं इसको भर लिया हूँ। और ये लहसुन की पूती लेकर के इनके दानों को, एक एक दानों को बराबर बराबर अलग कर लिया। और अलग करने के बाद इसको बस एक एक स्थान पर एक किसी लकड़ी की सहायता से एक एक बीज को हम इसमें बोएंगे और इसको उंगली से ऐसे दाब देंगे। इसको बोते समय खास बात है, इसका जो निचला हिस्सा होता है ये नीचे की तरफ होना चाहिए और ऊपरी हिस्सा ऊपर होना चाहिए। यदि आप नीचे या ऊपर होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो इसको आप कैसे भी रख दो, ऐसे भी चलेगा। आपका ये पौधा है और लहसुन ऐसे भी डाल दो, अपने आप ये चलेगा। दोनों विधि है, बेहतर है कि ये इसका निचला हिस्सा होता है ये, और ये इसका ऊपरी हिस्सा है ये। इसको निचले हिस्से को ज़मीन में नीचे की तरफ रख के, और मिट्टी के बहुत नीचे नहीं रखना चाहिए, बस आप आराम से इसको दो दो इंच पर इसको रख दें। साथियों, मैंने पॉट में एक एक इंच की दूरी पर इसमें लहसुन के बीजों को डाल दिया। अब मैं इसको ऐसी जगह पर रख दूंगा जहां पर इसमें धूप आती रहे, हल्की धूप आती रहे और बहुत पानी इसमें ना भरे। साथियों, अब आप इसको जब धूप में रख देंगे तो लगभग 15 दिन से 20 दिन के अंदर आपको आपके घर में ताज़े लहसुन के पौधे खाने के लिए मिलते रहेंगे हमेशा। साथियों, ये मेरा टेरेस गार्डन का पॉट है एक, जिसमें मैंने लेमन ग्रास लगाया था। इसका वीडियो ऑलरेडी मैं आपको बना चुका हूँ, और वही लेमन ग्रास की साइड में ये जगह जितनी बची हुई थी, इसी जगह में मैंने लहसुन को आज के 20 दिन पहले इसमें बो दिया था, और इनका डेवलपमेंट इस तरीके से हो गया है जो मैं आज एक हफ्ते से इसमें से हरा पत्ती का लहसुन अपने घर में ले करके यूज़ कर रहा हूँ। साथियों, ये पॉट चारों तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ मैंने इसको, जो खाली भी जगह थी मेरे इस पॉट में, हर जगह ये बचे हुए जगहों पर मैंने लहसुन को लगा दिया। अब ये एक एक पौधों को, दो पौधों को, तीन पौधों को पैड़े में इसमें से निकाल के यूज़ करता हूँ। साथियों, इसके दो तरीके हैं। जब ये पौध तैयार हो जाए तो आप चाहें तो इसकी साइड की मोटी मोटी बड़ी पत्तियाँ नोचें, और इनको आप चटनी के साथ, छौंकने के साथ, सब्जी में आप बराबर यूज़ करें। और हम चाहें तो इसके एक पौध को यहाँ से हम सीधे उखाड़ लेते हैं। दो पौध मैंने, तीन पौध आज की यूज़ के लिए मैंने ये उखाड़ लिया, और जिस स्थान पे उखाड़ा है आज ही मैं इसमें दो बीज तुरंत उसी स्थान पर ऐसे डाल दूँगा। अभी ये हम, आपने चार पौधे, हमने पांच इसमें से निकाले थे और पांच बीज मैंने तुरंत इसमें डाल दिए। इस तरीके से छोटी सी जगह में, छोटे से पॉट में हम ताज़े पौधे, अब हम अगली गर्मी मार्च अप्रैल तक ऐसे पांच पेड़ रोज़ उखाड़ लेंगे और पांच पेड़ इसमें हम रोज़ डाल देंगे, और हमें ताज़े पत्ते हमेशा मिलते रहेंगे। ये पौधे हमें बाज़ार में भी मिल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी खाद पड़ी होगी, बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी होंगी। ये मेरा प्योर ऑर्गेनिक होता है, कोई दवाई नहीं रहती, कोई केमिकल नहीं रहता, शुद्ध रहता है और रोज़ ताज़ा रहता है। अगर हम ज़्यादा खरीद लाएँ तो वो सूख जाता है, दो दो पौधों की ज़रूरत होती है, और पौवा 100 ग्राम में हम इसको ख़रीदें तो हमारा पैसे का भी नुकसान होगा और वो सब ख़राब हो जाता है। इसलिए आप अपने घर में इसको लगाएं और बराबर इसके स्वास्थ्य के लिए इसका लाभ उठाएं। साथियों, मेरा ये वीडियो देखें और ऐसे घर में अपने आप इसको यूज़ करें,
मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।